नेहरा गांव में शहीद हुए दरोगा प्रशांत यादव को पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस आला अधिकारियों सहित राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और विधायक राम प्रताप चौहान मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद दरोगा प्रशांत यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्य मंत्री जीएस धर्मेश ने शहीद के परिजनों को 50 लाख का चेक भी सौंपा। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद दरोगा के नाम से उनके पैतृक गांव में एक सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे दरोगा प्रशांत यादव के पराक्रम की गाथा आजीवन अमर रहे। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने परिवार को ढांढस भी बंधाया और पूरी सहायता का आश्वासन भी दिया। आपको बताते चले कि कल रात दो भाइयों के खेत के विवाद में गए शहीद प्रशांत यादव के गले में गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई थी। आरोपी को पकड़ने के लिए एडीजी राजीव कृष्णा ने कई टीमें लगा दी हैं। इनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। जल्द से जल्द इनको पकड़ लेने का आश्वासन दिया जा रहा है। जनों के प्रति संवेदना और प्रशांत कुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख की जो घोषणा की थी उसमें 40 लाख रुपए उनकी पत्नी रेणु के नाम और बाकी अन्य पिताजी या माताजी जो भी हैं परिवार के उनके नाम 5 लाख रुपये दी गई है और एक परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। शासन ने जो कल अनाउंसमेंट किए थे उसमें आई डी एम साहब ने और माननीय मंत्री जी उनको चेक प्रदान कर दिए हैं और वहाँ तक अपराधियों का प्रश्न है, जो अपराधी है उसका प्रश्न है, उसके लिए ऑलरेडी कई टीमें लगी हुई हैं। रात भर में काफ़ी उसमें प्रोग्रेस हुई है। रात भर